राधे राधे। तो वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं घूमने। एक बहुत ही एक्साइटेड डे हमारे लिए होगा। गला ख़राब हो गया सुबह सुबह थोड़ा सा, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी। आज कॉलेज वाले फ्रेंड्स ने बुलाया है कि वो कहीं वाटर पार्क है यहाँ पास में। वाटर पार्क नहीं है, आई थिंक वाटरफॉल कहीं पे है यहाँ पे, वहाँ जाने वाले। तो मे भी बहुत एक्साइटेड होगा और देखते हैं अब वहाँ क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम जाऊँगा तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए इसका। तो अभी उठ गए हम लोग, अभी मैं रेडी हो जाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो ये हमारा श्री छोटी माता मंदिर। ये भी दुर्गा जी है। ये हमारे हनुमान जी और ये हमारे भगवान शिव जी। ये हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं और ये अर्धनारीश्वर भगवान और ये पूरा राम दरबार। सबसे पहले जो बैठी हुई है वो है हमारी छोटी माता, उसके बाद ये है शारदा माता और ये माँ दुर्गा, और उसकी जस्ट इधर साइड। अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं ना, फ्रेश हो गए। अब इसके बाद जनरली मैं नहाने के बाद मंदिर होके आता हूँ। अभी मैंने घर की पूजा की है और उसके बाद अब पीछे ही यानी छोटी माता मंदिर है तो मैं वहाँ जाऊँगा। इसी बहाने आपको मंदिर भी घुमा दूँगा। और मैं अब अपनी BMW वाली स्कूटी लेके निकल चुका हूँ। उन लोग का कॉल आया था तो वो लोग पहुंच रहे हैं, तो अभी हम अब हम चलने लगे। तो अभी हमने जब तक वो आ रहे हैं पेट्रोल डलवा लिया है और वो बस आने वाले हैं। मैं आपको मिलाऊंगा उन सब से। और यहाँ पे फाइनली हम लोग रेडी हो गए। ये खुशी, प्रवीण, अरीब एंड फाइनली वी आर गोइंग। अब हम फाइनली चलते चलते सिमरिया पहुंच गए हैं और ये हनुमान जी दिख रहे हैं हमारे। जय श्री राम। और बस कुछ ही देर में हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। अरीब उसकी बाइक से चल रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है। और हम फाइनली अब जो है घोघरा वाटरफॉल मतलब ऑलमोस्ट आ चुके हैं। इसके अंदर ये देखो मैं दिखाता हूँ पीछे, ये यहाँ से मतलब कच्ची रोड जाती है और बहुत मतलब ज़्यादा अंदर नहीं है। स्कूटी से जाएंगे या बाइक से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। और अभी वेट कर रहे हैं प्राची, अमन और प्रवीण का, ये लोग अभी आए नहीं है। बाकी यहाँ पर इन लोगों का अभी से फ़ोटोशूट चालू हो गया है। कोई ना, मैं भी कराता हूँ अभी। तो है ये कच्ची रोड चालू हो गई है
बहुत ही अच्छी, यानी रोड तो नहीं है मेरी स्कूटी के हिसाब से, लेकिन स्टिल हमें जाना है अंदर तक, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। वो लोग आगे निकल गए, मैंने उनसे बोला है कि मैं आराम से आऊँगा भैया, ठीक है, क्योंकि उनकी तो बड़ी बड़ी गाड़ी भैया, मेरी जो है, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी है थोड़ी मेरी BMW की स्कूटी है, तो क्या संभाल के चलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा खुला मौसम, और मेरे हिसाब से हम लौटते में आना फ़ोटोशूट भी करवा लेंगे बहुत ही। और अब हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे गाड़ियां और कार वगैरह बाइक वगैरह नहीं जाती। हमने अपनी बाइक ऊपर यानी पार्क कर दी है स्कूटीज, और हम नीचे जा रहे हैं। हमने पूरा खाने का इंतज़ाम, बर्तन भांडे जो हमारे पास थे वो भी ले आई है। देखो ये हरकतें, हम लोग जो है आ चुके सब लोग, वी आर अराइव। और पीछे हमारे जो है घोघरा वाटरफॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा मस्त पानी का झरना गिर रहा है यहाँ पे। अंदर जा रहा हूँ बेसिकली, वो है तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाके एक आध फोटो खिंचवा के देते हैं, और मेरे को डर ये लग रहा है कहीं नीचे का नीचे ना गिर जाए। ऐसे इतनी उम्मीद तो है कि अभी ये इतना मजबूत है। सब हो चुका है, और अब हम लोग लकड़ियाँ ढूंढेंगे। और जब तक हमने हमारे जो लड़कियाँ हैं उनको बोला है कि वो चूल्हा वूल्हा थोड़ा बना के रखेंगे। देखो थक गई हैं वो, चलो लकड़ी देखते हैं। दो दिन से लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, हमने मैगी बनाना है, क्योंकि आजा 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 लकड़ियाँ लेके। ओ भाई गिरेगा, अबे बे बे बे, रो आराम से। लकड़ियाँ जल गई है, और यहाँ पे अब मैगी बनाने के लिए प्रोसेस चालू हो गई है। भाई आग लगा दी है भाई। फाइनली जो है मैगी बन के तैयार हो गई है। आग लगाने के बाद इन लोगों ने फाइनली मैगी बना ली, और धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है सिलेंडर से। ये लो, घर ही पड़ गया बोले। मैगी बन के ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। मैगी हाइड है यहाँ। हाँ हाइड है, टेस्टी मैगी। सीक्रेट रेसिपी है बाजू में। मैगी रेडी हो गई, और हम इसको खाएंगे। चम्मच लाया था ना मैं। मतलब मैंने किसी व्यक्ति को देखा हूँ कि कुरकुरे के रैपर से बर्तन मांजा जा रहा है। ये देखो, ये प्रोफेशनल है। 1,000 रुपए में आप घर बुला सकते हैं। बर्तन वाले भैया ये हमारे भाई नहीं है। तो अब सब कुछ हो गया है, फोटोज खींच गई है, और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने सुबह बताया था, एक्साइटेड डे था बहुत। एक मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पूरा ये वाला एरिया पूरा वाइट है, और ये वाला पूरा, ये पूरे जो है पत्ते जो है ट्रीज़ के, वो नीचे गिरे होंगे, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई होगी तो ये पूरे जल गए। ये बहुत ही सुंदर, यानी ये पूरा बहुत ही अच्छी धूप के लिए, बहुत अच्छे पौधे पेड़ पौधे। और अभी हम वापस जा रहे हैं। बहुत ही रोड बड़ी बहुत बेकार तो नहीं है, मतलब है थोड़ी ज़्यादा ही बेकार है रोड। बाहर
बाहर निकल रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं वापस, मतलब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, रोड मेन रोड में पहुंचने ही वाले हैं। गन्ने का रस पीने के लिए रुके कि जाते जाते गन्ने का रस पी लिया जाए। बड़ा मजा है हमारे पास, ये मेन चक्कर है। कैसा लगा खुशी? बहुत अच्छा लगा, एक नंबर मजा, बहुत मजा नहीं है, गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस हमने एक काम करा कि हमने सही टाइम पे हमने मेरा क्या मेरा वो कहाँ है आग को बचा मेरा वो कहाँ है चश्मा बताओ सबसे पहले क्या है भूलिया भाई। अभी हम वापस जा रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं। बस ट्रैवल करके अब मैं घर आ चुका हूँ और अभी भी यानी बहुत अच्छा लग रहा है, यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब अभी भी चैन नहीं है, अभी भी मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले आपने देखा होगा एक बुक दिखाया था मैंने, श्रीमद् भागवत का, भगवद गीता का सार वाली जो स्कॉन की तरफ से थी, तो उसका आज जो है 7 बजे से स्कॉन में यानी एग्ज़ाम है। तो मैं पूरी क्लासेस तो लगा नहीं पाया था, कुछ कुछ मैंने लगाया था और जितनी लगाया था उतना तो याद है, लेकिन अभी 7 बजे है उसका एग्ज़ाम, तो उसका यानी अब मुझे पढ़ना है। तो अब मैं आया हूँ और आते से ही अब मुझे उसका पढ़ाई करना है। फाइनली हम घर वापस आ गए, बहुत थक गए हैं और बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही मेमोरेबल और एडवेंचर से भरा हुआ ये दिन था। बहुत कुछ सीखने को मिला और यही जो व्लॉग है, ये वीडियोस है, ये सारी यादें हैं। और एक टाइम आएगा फ्यूचर में जब हम यही सारे वीडियोस और ये व्लॉग, अगर तब तक सलामत रहा तो यही वीडियो और व्लॉग्स देखेंगे और याद करेंगे ये दिनों को। और बहुत ही मज़ा आया, प्राची ने मैगी जलाई है और पूरा का पूरा मैगी जला डाली उसने। वो सबसे मेमोरेबल डे था, सबसे बेहतरीन जो एक पल कहते हैं ना, वो पूरे दिन का वही था जब उसने पूरी मैगी जलाई। और यहीं पे अब मेरा व्लॉग ख़त्म होता है और मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। राधे राधे तब तक सभी को।